हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। चूंकि ध्यान दीजिए, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था दो कॉन्सेप्ट के बारे में, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। हाँ, समझ लीजिए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमने ये बताया था कि कोई भी यदि बिजनेस है और बिजनेस आप चला रहे हैं तो उसका एक कॉमन यूनिट क्या होगा? मनी होगा। और अगर जो आप किसी व्यक्ति से लेन देन कर रहे हैं तो सिर्फ आप उसे ही रिकॉर्ड करेंगे जिसके बीच कोई मनी इन्वॉल्व होगा। जैसे एग्जाम्पल आप लोग को दिए थे, अगर जो आज आप बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, तो आप एक दिन में किससे कितने रुपए का बेच रहे हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे। एक व्यक्ति को संतुष्ट करने में उसके पीछे आपने कितना टाइम लगाया, ये आपको रिकॉर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके बीच कोई मनी नहीं। जो आप सामान बेचेंगे उससे जो कैश लेंगे वही आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहलाएगा। सिर्फ आपको उसी को रिकॉर्ड करना है, बाकी और किसी को रिकॉर्ड नहीं। और सेपरेट एंटिटी क्या था कि कभी भी बिजनेस से आप दो दो एंटिटी मान के ही ट्रांजेक्शन करेंगे, बिजनेस का मालिक अलग और बिजनेस का, तब जाके आप अकाउंटिंग अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो आप जितना भी अकाउंटिंग करेंगे वो या तो वो ड्राइविंग में सारा चला जाएगा या तो सारा किस में आ जाएगा, एक्सपेंस में आ जाएगा। और जब किसी एक में जाएगा तो या तो ड्राइविंग कैपिटल को घटा देगा या तो जब एक्सपेंस होगा तो ड्राइविंग को क्या करेगा, लॉस में भेज देगा। इतना क्लियर है ना? और अगला हम लोग का आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या आता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अच्छा, इससे इसको जानने से पहले एक शब्द ये बताइए, कोई भी बिजनेस करता है तो क्या ये सोच करके बिजनेस करता है कि 2 महीने के बाद बंद कर देना है? नहीं करता है ना। कोई भी बिजनेस करता है तो ये सोचकर ही करता है ना कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। कोई एसेट्स खरीदता है, कोई भी एसेट्स, समझ रहे हैं ना, बिजनेस को चलाने के लिए, तो यही सोचता है ना। ये नहीं सोचता कि 10 लाख का पड़ रहा है तो अगले महीने में ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये सोचकर ही खरीदता है ना कि लंबे समय तक बिजनेस में काम करेगा। यही आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। क्या है? तो यहाँ पे कह रहा है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहे। बिजनेस में अकाउंटिंग करने जाएंगे हम ये मान ले सीजनल बिजनेस है, सीजनल बिजनेस, समझ रहे हैं ना। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो फैन के लिए ज्यादा बिजनेस चलेगा, आज समझे ना, ये सीजनल बिजनेस होती है। अब हम ये मान करके बिजनेस करें कि नहीं 4 महीने के बाद ये तो खत्म हो जानी है, तब तो हमारा बिजनेस नहीं चले। तो ये मान करके बिजनेस करें तो हमारा कभी बिजनेस चलने वाला नहीं है। हाँ, ये मान करके करेंगे और आज बिजनेस कर रहे हैं ना, एक लंबे समय तक चलेगा। हाँ, इस बार सीजन में चलेगा, फिर अगले सीजन में चलेगा, हाँ आ रहा समझे ना। इनके बराबर हमारा बिजनेस चलता रहेगा, हमारा बिजनेस भविष्य में कहीं बंद होने की संभावना नहीं है। यही कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा? गोइंग कॉन्सेप्ट। वही कह रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे, तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि आने वाले भविष्य में कभी भी बिजनेस को बंद करने की कोई संभावना नहीं। हाँ, और आ कह रहा है इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। कंटिन्यू का मतलब पता है क्या होता है ना? लगातार, आ रहे समझे ना। वही कह रहा है कि अगर जो आप ये मान करके बिजनेस कर रहे हैं कि भविष्य में कभी बंद नहीं होना है, तो वही आपका एक और नाम हो जाएगा, कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इतना क्लियर हो रहा है ना? और जस्ट इसी में कह रहा है, जैसे कि यदि कोई कंपनी को किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत को सेम ईयर को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता। अगर जो आपको कोई प्लांट या मशीनरी चाहिए और उसकी लागत का आप ये एज्यूम कर लीजिए कि अगर जो आज हम 1 लाख रुपए अपने प्लांट या मशीनरी में लगवा रहे हैं तो इसी ईयर में वो रिकवर हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? तो बिजनेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वही कह रहा है कि मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत को, जो लागत लग रहा है, सेम ईयर को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता, यानी कि इसी ईयर में सारा रिकवर हो जाएगा ये ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता, बल्कि यह एज्यूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट या मशीनरी का प्रयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक किया जाए। कि जो भी प्लांट या मशीनरी खरीद रहे हैं, यह एज्यूम नहीं करें कि 1 साल में उसका सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। कोई नहीं, रिकवर होता है। इस साल 10 हजार होगा, अगले साल 10 हजार होगा, उसके अगले साल 10 हजार होगा, लेकिन बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। तो इतना क्लियर है ना? तो जो बिजनेस में लंबे समय तक चले, भविष्य में आगे बंद करने की संभावना नहीं हो, वही कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, या दूसरा नाम दिया है कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट। जो बिजनेस हमारा लगातार चलता रहे, भविष्य में कहीं बंद करने की संभावना। तो क्लियर है ये ना?
और उसके बाद से अगला आता है क्या, कास्ट कॉन्सेप्ट। कास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसको कॉस्ट बोलते हैं ना, कितनी कॉस्ट यानी कितनी प्राइस पड़ी है इसकी, तो 10,000 रुपये पड़ी है। अब एक बात बताइए, सिंपल एज्यूम कर ली, फिलहाल बिजनेस को साइड में रखिए, अगर जो आज आपको एक स्मार्टफोन खरीद लिए 10,000 रुपये, और 2 साल बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितना में खरीदे थे, तो अगर जो इस टाइम उसका रेट कम होगा तो कहेंगे नहीं हम 5,000 में खरीदे थे, क्या बोलेंगे, 10,000 में ही खरीदे थे। ये आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहलाता है, मतलब समझा रहा है, समझ लिया दिया है। इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, यानी कि जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम क्या था, कंटिन्यू एक्टिविटी वाला था ना, उसी प्रकार से कॉस्ट कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। जो कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कास्ट मानकर ही रिकॉर्ड किया जाता है। आप कभी भी अगर जो किसी एसेट्स की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू मानकर ही रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे दे रहा है कि जैसे कि यदि हमने किसी फर्नीचर को 50,000 में खरीदा, अगर जो आज हम किसी फर्नीचर को 50,000 में खरीद लिए, तो सपोज करिए मेज हमारा फर्नीचर थी, हमारे बिजनेस को चलाने में मदद कर रहा है ना, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स। और वही कह रहा है तो उसे हम 2 साल बाद भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कास्ट 50,000 में ही रिकॉर्ड करें, और 2 साल बाद भी अगर आपको रिकॉर्ड करना है इसकी वैल्यू आप कितना में खरीदेंगे खरीदे थे, तो उसकी ओरिजिनल कास्ट मान के ही एंट्री करेंगे, यही क्या कहलाएगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है। जो हमने पहले ही आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है कि यदि आप कोई आज कोई वस्तु खरीद ले रहे हैं और 2 साल बाद या 4 साल बाद आपसे पूछा ये कितना में खरीदे थे, तो आप वही रेट बताएंगे जितना आपने खरीदा था, आ रहा समझे ना, वही आपका क्या कहलाएगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बाद से अगला आता है क्या, टोटल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट इस कॉन्सेप्ट में तो यही है, टोटल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या, तो आप कभी भी ट्रांजेक्शन जब करेंगे ना तो दो पक्ष हो जाते हैं, सिंगल व्यक्ति किसी ट्रांजेक्शन को पूरा नहीं कर सकता, ये आप लोग ट्रांजेक्शन में ही पढ़े हैं कि ट्रांजेक्शन करने के लिए या तो दो व्यक्ति होना चाहिए या तो दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, सिंगल कोई व्यक्ति है तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। वही कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन में दो पक्ष होते हैं, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर लीजिए किसी भी प्रकार का बिजनेस होगा उसमें कितने पक्ष होंगे, दो पक्ष, पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट का होता है, पहला अगर जो माइनस है तो दूसरा प्लस जरूर हो, मतलब समझ आ रहा है, समझ लीजिए अगर जो आपका बिजनेस है और अगर जो आप कोई गुड्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, गुड्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो अगर जो आपके पास गुड्स माइनस हो रहा है तो इसके बदले इसका वैल्यू आपके पास प्लस हो रहा है कि नहीं हो, हो रहा है ना, तो बिजनेस में दो ट्रांजेक्शन है, दो पक्ष होगा, पहला डेबिट का और दूसरा क्रेडिट का। एक एग्जांपल हमने दे दिया कि दो व्यक्ति हैं तो एक के पास से माइनस होगा तो दूसरे के पास से क्या होगा, प्लस होगा। अगर जो हम मान लें कि आप लोग हैं हमारे कस्टमर हो हमारा बिजनेस, और अगर हम ये मार्कर पेन सेल करेंगे तो हमारे पास से मार्कर पेन माइनस होगा और इसका वैल्यू हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा, और आपके पास क्या होगा कि ये मार्कर पेन आपके पास प्लस होगा और आपका वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, तो दो पक्ष हो रहा है कि नहीं, एक माइनस और दूसरा प्लस। वही कह रहा है यहाँ पे कोई भी बिजनेस करें तो दो पक्ष होगा, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट, और एक चीज ये बताइए डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष की वैल्यू बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अगर जो आप कोई सामान खरीदने जाएंगे 100 रुपए का और अगर जो आप 90 रुपए वो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा ना, 100 रुपए का है और यदि आप वो डिस्काउंट दे तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो भी तो 3 बन जाएगा ना, डिस्काउंट देगा तो 3 बन जाएगा, क्या कि आपने 100 रुपए का कोई गुड्स खरीदा है, 90 रुपए आपने दिया, 10 रुपए आपका छूट गया, 3 बन जा रहा है ना, लेकिन तीनों मिलकर क्या दोनों के बराबर हो रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट के प्लस और माइनस के बराबर हो रहा है ना, जैसे अगर हम यहाँ पे 100 रुपए का कोई सामान खरीदे, 100 रुपए हमारे पास से गुड्स है माइनस हो रहा है ना, 100 रुपए माइनस और 100 रुपए प्लस भी होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हमको प्लस हो रहा है 90 रुपए, कितने पे हो रहा है,
90 रुपए, बाकी का 10 रुपए क्या हो रहा है हम बताएंगे, उसमें चलिए हम आपको डिस्काउंट दे दें। ये दोनों मिलकर किसके बराबर हो जाएगा, 100। तो एक माइनस दूसरा क्या हुआ, तो हमेशा दोनों बराबर हो रहा है ना। तो आगे वही कह रहा है, डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के बराबर होती है। कभी भी जब तक डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर नहीं होगा तो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे दिया, जैसे व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, जैसा कि हम कोई गुड्स खरीदे किस बिहेव पे, कैश। क्या कह रहा है, व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, जैसा हम कोई गुड्स खरीदे हैं कैश पे। कह रहा है इट रिसीव गुड्स ऑफ सेम वैल्यू, और जितना हमने वैल्यू दिया है सेम उसी वैल्यू का हमने गुड्स भी रिसीव किया। एंड गिव कैश टू इक्वल टू वैल्यू, और जितने का हमने गुड्स रिसीव किया है ना उसी के बराबर हमने उसको क्या किया, वैल्यू भी पेमेंट किया, कैश भी पेमेंट किया। आ रहा समझे ना, तो जितने का आप सामान बेचेंगे उतने ही का आप पैसा रिसीव करें, जितने का आप सामान खरीदेंगे उतने ही का पैसा आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। क्या अगर जो 10 रुपए का सामान आप 15 रुपए पेमेंट कर सकते हैं, नहीं करेंगे ना। 10 रुपए का सामान है 5 रुपए पेमेंट कर दे तो वो मानेगा, ये समझ में आ रहा है ना। तो याद रखिए बिजनेस ट्रांजेक्शन कितने पक्ष हो जाएंगे, दो, तो पहला डेबिट और दूसरा, यानी कि एक प्लस तो दूसरा, क्लियर क्लियर है ना। और इसमें डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू का क्या आती है, हमेशा बराबर बराबर होती। जैसे एग्जांपल दिया कि व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने कोई गुड्स खरीदा कैश भी ऐप पे, और आगे कह रहा है इट रिसीव गुड्स ऑफ सम वैल्यू, आपने क्या किया रिसीव किया गुड्स का सम, कुछ वैल्यू आपने रिसीव किया। एंड गिव कैश टू इक्वल वैल्यू, जितने वैल्यू का आपने गुड्स रिसीव किया उतने वैल्यू का आपने सामान कैश क्या किया, पेमेंट किया, यानी कि उतना दिया। और उसके बाद अगला क्या कहता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। बिल्कुल पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस में एक इंटरवल होनी चाहिए। इंटरवल का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो बीच में एक इंटरवल जरूर लेते हैं, लिया जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस जब आप कर रहे हैं तो एक इंटरवल होनी चाहिए, और इंटरवल ऐसा नहीं कि बिजनेस को 1 महीने तक बंद कर दिया, वो इंटरवल नहीं है। इंटरवल का मतलब होगा कि आप अगर जो 3 महीने से लगातार बिजनेस कर रहे हैं तो 3 महीने का जो एक बार आप रिपोर्ट तैयार कर ले रहे हैं, तो जिस दिन आप रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके बीच का समय आपका क्या कहलाएगा, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट कहलाएगा। जैसे कह रहा है इससे टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना हो। सपोज करिए हम आज बिजनेस स्टार्ट कर लिए और हम जो भी बिजनेस में रिपोर्ट तैयार करते हैं एक एक मंथ पे तैयार करते हैं, तो एक एक मंथ का समय ही हमारे लिए क्या कहलाएगा, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। 3 मंथ अगर हम तैयार करें तो वो 3 मंथ हमारे लिए क्या कहलाएगा, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। और अगर जो 1 साल पे कर रहे हैं तो 1 साल हमारे लिए क्या कहलाएगा, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं, मूवी देखते हैं जब इंटरवल हो जाता है तो उसके फिर आगे देखते हैं पीछे नहीं देखते हैं ना। उसी प्रकार से बिजनेस में काम कर ले जाएंगे तो जिस दिन रिपोर्ट तैयार कर ले जाएंगे उसी दिन हमारी रिपोर्ट बन के तैयार है, तो पीछे तक हिसाब क्लियर, फिर उसके आगे आपको काम करना होगा, उसके पीछे आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने सारा रिपोर्ट बना के तैयार है। वही कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा, पीरियोडिसिटी। और वही कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट ईयर या तो क्वार्टर में रखनी चाहिए, जिससे बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। और अगर जो आप अपने बिजनेस में पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट तैयार करना जरूरी होगा, तो आप उसको अकाउंटिंग पीरियड के अनुसार कम समय में रखिए। ये नहीं कि 5 साल में हम एक बार रिपोर्ट तैयार करें, 5 साल में एक बार करेंगे तो समस्या रहेगा कि नहीं रहेगा, अब पता चले जो ट्रांजेक्शन किए हैं किससे किससे किए हैं ये भी भूल गया, रिकॉर्ड भी नहीं किए तो 5 साल पहले का याद रहेगा, आजकल तो 2 मंथ का नहीं याद रहेगा तो 5 साल का कौन याद रखे। आज तो समझे ना, 3 महीने का डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब 3 महीने वाली पीरियोडिसिटी हाँ वही आ समझे ना। तो यही कह रहा है कि जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे जो पीरियोडिसिटी एक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे उस कॉन्सेप्ट में आप क्या करेंगे, अकाउंटिंग पीरियड के अनुसार कम समय रखें, चाहे 1 साल का रख लीजिए, चाहे क्वार्टर रख लीजिए, चाहे मंथली रख लीजिए,
जिससे आपको रिपोर्ट तैयार करने में क्या रहे आसानी रहे और आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेज्योर और कंपेयर किया जा सके। अगर जो आपका बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो लूज चल रहा है, सही नहीं चल रहा है, तो आप उसको सही भी कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं कि पिछले साल कैसा था और इस साल कैसा। कंपेयर किया जाता है बिजनेस में, तभी तो पता चलता है ना, हाँ पिछले साल से इस साल अधिक बढ़िया चल रहा, तभी पता चलता है ना। कंपेयर नहीं किया जाता है, पता नहीं चलेगा पिछले साल किस पोजीशन पे था और इस साल किस पोजीशन पे। इतना क्लियर है ना? तो लगभग पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना? और अगला आता है क्या, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। एविडेंस के नाम से ही पता चल जा रहा होगा आप लोग क्या है एविडेंस का मतलब, क्या होता है एविडेंस का मतलब? साबूत, जिसको गवाह बोलते हैं, साबूत। जैसे कोई भी काम करते हैं तो अगर जो कोई गलत हो जाएगा तो पहले सबसे पहले पूछते हैं एविडेंस है आपके पास कि काम हमने हमने किया है। तो अगर जो आप किसी से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपके पास ये क्या रहेगा, एविडेंस भी रहेगा कि देखिए आप हमने आपसे ये गुड्स बेचा, इसका रिकॉर्ड हमने यहाँ पे करके रखा हुआ। हाँ नहीं तो पता चले रिकॉर्ड नहीं करते हैं और किसी व्यक्ति से आप 10,000 का सामान बेच दिए हैं, 8,000 रुपये दे दिया और बोला था बाद में हम आपको दे देंगे 2,000 रुपये। हमें बोले ठीक है ईमानदार है कोई बात नहीं दे देगा, और पता चले 2 महीने के बाद से कह हम आपके पास कभी सामान खरीदे ही नहीं है, हम आपके बिजनेस कभी आया ही नहीं है। आया समझ में ना? तो हमारे पास कोई एविडेंस रहेगा कानून के तौर पे, अगर हम लोग उसके ऊपर कंप्लेन भी करेंगे तो कुछ हम दिखा पाएंगे प्रूफ, जब तो हम कोई रिकॉर्ड नहीं किए। तो वही कहता है हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवाइस या वाउचर के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए, इनवाइस वही जो बिल प्रिंट करके मिलता है। क्या हाँ इनवाइस जब भी जाते हैं सामान खरीदते हैं ना, जैसे हम लोग किसी मॉल में चले जाते हैं सामान खरीदते हैं तो एक बिल मिल जाता है, टैक्स वही इनवाइस है। हाँ समझे ना? वाउचर क्या हम बताए थे कि एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, वही बुक हमारे लिए क्या है, वाउचर। तो वो सपोर्ट होना चाहिए, एविडेंस के रूप में सपोर्ट करना चाहिए। जो कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि ये डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए जिन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके, क्या कानून के तौर पे मान्य किया जा सके। अब ऐसा नहीं बोल, जब लोग सामान खरीदते हैं ना एक छोटा सा कैश मेमो मिलता है और नीचे लिखा गया होता है कि अब कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं है। कभी देखे आप लोग? नहीं देखे हो ना? क्या अरे कैश मेमो होता है, तो देखो सर्च करते हैं मिल जाता है कि नहीं। बुक्स इसके लिए आता है, वही बुक्स से देख करके बनवाया गया। चलो आ जाओ इमेज में देखो, बहुत सारा मिल जाएगा। देखिए ये कैश मेमो होता है, लाइट ऑफ करो। हाँ पहले लाइट ऑफ करो फिर कुछ दिख जाएगा, ये वही देख रहा है किसी में लिखा लिखा जरूर होता है। सबसे देखो सबसे ऊपर इधर है, सबसे ऊपर, सबसे नीचे वाला प्रेस करो, कॉर्नर उधर उधर। हाँ बस चलो हम यही राइट क्लिक करके सेव कर लेते हैं, लोकेशन दे दिए डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप देने के बाद सेव कर, ओपन कर ले। हाँ देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा, भूल चूक लेने देने लिखा हुआ है ना, ऐसे ही लिखा हुआ होता है कि अब कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं है। अधिकांश आप लोग देखे होंगे जानते हैं जो डॉक्टर का पर्ची होता है उस पर लिखा गया हो, लिखा होता है ना, अब वो पहले से लिख दिया हो कि ये कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं है, और कोई अगर जो इश्यू हो जाए अगर आप उसको कानून में लिखाएंगे वो सीधा कह देगा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं था, फिर पेश कैसे कर दिए, क्या हुआ? हाँ जब लिखा नहीं है तब तो वो एविडेंस के रूप में है ही। आया समझे ना? अब जैसे कोई यहाँ साफ साफ लिखा हुआ बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, अगर जी आप किसी से सामान बेच रहे हैं और इसका आप लिख करके साफ साफ लिखा हुआ है और उसको दे देते हैं और बाद में लाता है आपके पास सामान वापस करने, तो सीधा कहेंगे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और जो नहीं लिखा हुआ है तो वो कहेगा आपने इसमें कहीं लिखा हमको दिया ही नहीं है, ना हमसे कहा है तो आपको वापस करना हो। आ रहा समझे ना? तो वही कह रहा, जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कानून के तौर पे मान्य होना चाहिए, एविडेंस के रूप में होना चाहिए।
आ रहा समझे ना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए जो कानून के तौर पे मान्य नो। तो ये ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना। और ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के पास आता है आठवां नंबर से पे कौन सा। अब देखिए जैसे हम बताए हैं ना डुअल एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, वैसे ही जरूरी आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। जब तक आप अपने बिजनेस में रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच नहीं कराएंगे ना, तब तक आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस और ये पता नहीं चलेगा। जैसे देखिए कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना जितना भी रिवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रिवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं उनकी मैचिंग कराना अनिवार्य है। अगर जो आज दो एक महीने का हम ले लिए, एक महीने में हम 1 लाख रुपए कमाए हैं, तो उस 1 लाख को कमाने हम कुछ खर्च भी तो किए होंगे ना। अच्छा अब इन दोनों को मैच कराना ही हमारा क्या कहलाएगा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। और ये सबसे ज्यादा अनिवार्य है। अब पता चले हम बिजनेस में लगाते गए मैचिंग ही नहीं करा रहे हैं और 1 लाख कमाए और 1 लाख 20 हजार हम खर्च ही कर दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना। तो ये कब पता चले, जब मैच कराएंगे तब तो ना। वही कह रहा है कि बिजनेस में जितना आप कमाते हैं रिवेन्यू प्राप्त करते हैं उसको पाने के लिए आप जितना खर्च करते हैं उनकी मैचिंग कराना क्या है, अनिवार्य है, जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को प्राप्त कर सकें। तभी तो बिजनेस का वास्तविक रिजल्ट पता चलेगा ना। जैसे दे रहा है जैसे कि हम किसी बिजनेस में फैक्ट्री रेंट, कोई हमारा बिजनेस है और उसका रेंट कितना दे दे रहे हैं 10 हजार, तथा स्टाफ की सैलरी और अन्य खर्च कितना कर दे रहे हैं 90 हजार। हमारे ये बिल्डिंग है हम इसका दे दिए 10 हजार रुपये रेंट। हमारे पास ऑफिस का कुछ एक्सपेंस हुआ, एम्प्लाई का कुछ एक्सपेंस हुआ, ये सारा मिला करके 90 हजार हमने खर्च कर दिए। तो दोनों मिला कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा ना। 90 हजार एम्प्लाई के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए, और 10 हजार किसके लिए, रेंट के लिए। वही कह रहा है यहाँ पे खर्च 90 हजार किया हो और उस मंथ में टोटल सेल कितने का हुआ है 2 लाख, यानी कि 10 हजार हमने सैलरी रेंट दे दिया और 90 हजार हमने ऐसे खर्च कर दिया, और वो 1 लाख खर्च करने के बाद हम कितना कमाए उस मंथ में 2 लाख रुपए टोटल सेल किए हैं, तो उस मंथ में प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 लाख। जो कह रहा है प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, जितना आप कमाए हैं उसमें से माइनस कर लेंगे एक्सपेंस को, तो जो बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। हाँ प्लस में है तो प्रॉफिट और माइनस में है तो लॉस। कभी भी रिवेन्यू से एक्सपेंस को ही माइनस किया जाता है, और यदि वो वैल्यू प्लस में है। हाँ डिफरेंट 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 है ही, इसके पहले क्यों पढ़े नहीं हम लोग डिफरेंट बिजनेस का क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। प्रॉफिट कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट वही तो कह रहा है ना, उस मंथ की बात कर रहा है, ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा है ना, ये मंथ के अकाउंटिंग पीरियड में आ जा रहा है ना। हम लोग ये पढ़े थे अकाउंटिंग पीरियड में जितना रिवेन्यू अधिक होगा वही क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो वही कह रहा है कि यदि 1 मंथ में आप रेंट कितना दे दिए 10 हजार और अन्य खर्च आपने कितना कर दिया, तो आपने टोटल खर्च कितना कर दिया 1 लाख रुपए, और उस मंथ में 1 लाख खर्च करने के बाद आप कितने का सेल किए टोटल 2 लाख, और 2 लाख में से 1 लाख जो खर्च किए वो माइनस कर देंगे, तो बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा, मैच मैचिंग। तो आज आप लोग मैचिंग कॉन्सेप्ट तक पढ़ के आइए लोग, बाकी आप लोग को आगे बताते हैं ये रियलाइजेशन वाला और लीगल एक्सपर्ट कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, फिर स्टार्ट हो जाए कौन सा टाइप्स ऑफ। ठीक है, यदि थोड़ा सा पढ़ करके आइएगा बस, थोड़ा समझा देंगे और समझाने के बाद तब ये जरूरी जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट ये स्टार्ट, क्लियर है ना। इतना पढ़ करके आइए आप।